नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों पर हैं, सेफ हैं, सुरक्षित और अपना पूरा ध्यान रख रहे हैं। दोस्तों, आज हमने स्टार्ट किया है एक सीरीज, जिसमें छोटी सी सीरीज है, 3 या 4 वीडियोस की सीरीज होगी, मैक्सिमम 4, इट कैन बी ऑल्सो 3, जिसमें हम स्पीशीज इन न्यूज, जो भी हमारे प्रिलिम्स 2022 आने वाले 5 जून के पेपर के लिए जो भी स्पीशीज बहुत ज्यादा चर्चाओं में रही हैं, उनके बारे में बात करेंगे। बिफोर वी जम्प इन टू नोइंग द स्पीशीज कौन कौन सी न्यूज में, छोटा सा एक बैकग्राउंड या उसके बारे में कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। ये कहाँ से आती हैं, इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंस है, या कौन सी वो लिस्ट है या एजेंसीज हैं जो इनके बारे में जानकारी हमें देती हैं, स्टेटस क्या है उन स्पीशीज का, इनके बारे में जानेंगे। तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड अबाउट रेड डेटा बुक फर्स्ट। तो कोई भी जो स्पीशीज है जिनको जज किया जाता है थ्रेटेंड, उनको अलग अलग एजेंसीज अराउंड द वर्ल्ड लिस्ट करती हैं, अपने साथ एक लिस्ट तैयार करती है उनकी। उस लिस्ट में सबसे महत्वपूर्ण लिस्ट है आपकी रेड डेटा, जो कि इशू की जाती है IUCN के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा, जो कि सिचुएटेड है कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में। रेड डेटा बुक जो है पहली बार स्टैब्लिश की गई थी, इशू की गई थी, 1966 में बाय IUCN स्पेशल सर्वाइवल कमीशन। स्पेशल सर्वाइवल कमीशन द्वारा इसको पहली बार इशू किया गया था एक गाइड की तरह, फॉर फॉर्मुलेशन, प्रेजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ स्पीशीज लिस्टेड। जो भी स्पीशीज में लिस्टेड है, जिनको भी लिखा गया, लाया गया है इस लिस्ट के अंदर, उस लिस्ट को कैसे फॉर्मुलेट किया जाएगा, उनके प्रेजर्वेशन तरीके क्या होंगे, या उनको मैनेज कैसे किया जाएगा, एटसेट्रा। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं फॉर ऑल माई क्लास डिटेल्स एंड PDFs। मेरे प्लस कोर्सेज या स्पेशल क्लासेस से भी आप जुड़ सकते हैं विद द कोड ND Live 10। स्पेशल क्लासेस टाइमिंग्स आर 1 PM एंड 5 PM दोस्तों। ये क्लासेस बिल्कुल फ्री होती है। अनअकैडमी ने अनाउंस किया एक मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम 2022 के सभी UPSC लर्नर्स के लिए, जिसमें आपको मिलेगा 1 मंथ का एक्सटेंशन, लाइव मेंटोरशिप विद टॉप एजुकेटर्स एंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम। करना क्या है, आपको ये QR कोड स्कैन करना है, उसके बाद एनरोल करना है क्लिक करके, एंड अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, एंड देन यू कैन अवेल दिस 1 मंथ एक्सटेंशन। प्राइस बहुत जल्दी बढ़ने वाला है, 31 मई आखिरी तारीख है, 20% तक प्राइस बढ़ जाएगा। अभी जाइए अपना सब्सक्रिप्शन एनरोल कीजिए ND Live 10 कोड यूज करके। UPSC का GS मेगा कॉम्बैट आने वाला है, जो कि गेमीफाइड लाइफ स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, जिसमें बड़े सारे आपको गिफ्ट कार्ड्स मिलेंगे और बहुत सारी और भी फैसिलिटीज, बहुत सारे और भी इसमें फीचर्स हैं दोस्तों, वो मिलेंगे। आपको केवल ND Live 10 कोड यूज करना है और इसको एनरोल करना है। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया IUCN द्वारा इसको इशू किया जाता है, तो IUCN के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। IUCN को स्टैब्लिश किया गया था 1948 में। IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है इन द फील्ड ऑफ नेचर कंजर्वेशन, प्रकृति के संरक्षण के लिए, या फिर सतत प्रयोग कैसे किया जाए जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनके लिए ये काम करती है। ये यूनाइटेड नेशंस के साथ इसको एक ऑब्जर्वर और कंसल्टेटिव स्टेटस प्राप्त है, ये उसका ऑर्गन या उसकी मेंबर नहीं है, ठीक है। IUCN जो ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण या ये जानी जाती है फॉर द कंपाइलिंग एंड पब्लिशिंग ऑफ IUCN रेड लिस्ट, जिसके बारे में अभी हमने बात भी की, जो एसेस करती है जितने जो भी कंजर्वेशन स्टेटस है ऑफ स्पीशीज वर्ल्ड वाइड, ठीक है। इंडिया इसका सदस्य कब बना, इन 1969। तो IUCN स्टैब्लिश हुआ 1948 में। पहली बार रेड डेटा बुक या लिस्ट जो इशू की गई, दैट वाज 1966, और भारत ने इसकी सदस्यता ग्रहण की 1969 में, ठीक है, थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। IUCN में कैटेगराइजेशन किया गया स्पीशीज का, जो भी स्पीशीज को इनलिस्ट करते हैं उनमें कैटेगराइज करते हैं, जैसे कि सबसे पहले है एक्सटिंक्ट, जो विलुप्त हो चुके हैं उनके बारे में कैटेगराइजेशन किया गया है, फिर अपने नेचुरल हैबिटेट में इन दी वाइल्ड जो एक्सटिंक्ट है उनको कैटेगराइज किया जाता है, वो कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी है रीजनल एक्सटिंक्ट, मतलब एक्सटिंक्ट में ही 3 कैटेगरीज, रीजनली एक्सटिंक्ट मतलब किसी एक पर्टिकुलर रीजन में वो विलुप्त हो गया स्पीशीज। इसके बाद आता है थ्रेटेंड कैटेगरीज, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज। इसमें 3 कैटेगरीज आती हैं, जो सबसे ज्यादा इनको खतरा है एक्सटेंशन का, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल। इसके बाद नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न, ज्यादा खतरा नहीं है, काफी ठीक ठाक जनसंख्या, काफी ठीक ठाक पॉपुलेशन है इनकी, इन स्पीशीज की,
देन देर आर फ्यू जिनमें डेटा डेफिशिएंट होता है, फिर नॉट एप्लीकेबल कैटेगरी में है, नॉट इवैल्यूएटेड कैटेगरी भी इसमें इंक्लूड की गई है। जो थ्रेटन कैटेगरी है उनकी तीन कैटेगरी में कैटेगराइजेशन जो किया जाता है वो क्राइटेरियाज को मीट करते हुए किया जाता है। अगर कोई भी स्पीशीज इन तीन क्राइटेरिया में से किसी एक भी क्राइटेरिया को मीट करता है विद वट एवर एविडेंस जो हमें मिले हैं, जो भी बेस्ट अवेलेबल एविडेंस है किसी भी टैक्सन के बारे में, तो उसको हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में डालते हैं। वो क्राइटेरियाज क्या है? सबसे पहला है पॉपुलेशन रिडक्शन इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कैसे घटी है? तो लगभग 90% से ज्यादा पॉपुलेशन उसकी घट गई है उस स्पीशीज की पिछले 10 सालों में, पहली कंडीशन। और पॉपुलेशन साइज की बात करें, जो मेच्योर इंडिविजुअल है वो कम लेस देन 50 है, अब वो 50 से भी कम रह गए हैं, दूसरी कंडीशन। और अगर क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करें तो एक प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट 50% ऑफ द चांसेस आर दैट दिस पर्टिकुलर स्पीशीज जिसके भी एविडेंस मिले हैं विल बी एक्सटिंक्ट, विलुप्त हो जाएगा अगले 10 सालों में। ये तीन कंडीशंस हैं, क्राइटेरियाज हैं, इनमें से किसी को भी फुलफिल करने वाला जो भी टैक्सन है, जो भी स्पीशीज है, दैट विल बी अंडर क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्राइटेरिया। नंबर वन क्राइटेरिया थ्रेटन्ड में। नंबर टू इज एंडेंजर्ड क्राइटेरिया। अगेन इसके लिए भी तीनों में से किसी एक को मीट करना है क्राइटेरिया को। पहला क्राइटेरिया पॉपुलेशन साइज का रिडक्शन की बात करें तो 70% तक इनकी पॉपुलेशन कम हुई है पिछले 10 सालों में। पॉपुलेशन साइज की बात करें तो इनके जो मेच्योर इंडिविजुअल्स हैं वो 250 से भी कम रह गए हैं। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट 20% चांसेस हैं कि अगले 20 सालों में ये विलुप्त हो जाए इन वाइल्ड अपने नेचुरल हैबिटेट। तीसरी कैटेगरी थ्रेटेंड की है वल्नरेबल कैटेगरी। अगेन थ्री क्राइटेरियाज, वही तीन क्राइटेरियाज हैं। पॉपुलेशन रिडक्शन की बात करें तो 50% से ज्यादा पॉपुलेशन रिड्यूस हो गई है पिछले 10 सालों में। साइज की बात करें तो 10,000 से कम मेच्योर इंडिविजुअल्स बचे हैं। और क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया पर जाएं तो प्रोबेबिलिटी है कि 10% चांसेस हैं कि अगले 100 सालों में ये विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं स्पीशीज की। सबसे पहले बात करते हैं कोआलास की। तो ऑस्ट्रेलिया ने कोआलास को लिस्ट किया है ऑस्ट्रेलिया में एज एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज का क्राइटेरिया हमने अभी पढ़ा। ठीक है, एक समय पे जो कोआलास ऑस्ट्रेलिया में बहुत अबंडेंस में पाए जाते थे, बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते थे, और उनको फिर वल्नरेबल कैटेगरी में डाला गया कि मतलब हो सकता है कि इनके साथ खतरा है, जो अभी हमने तीन कैटेगरीज देखी ना। नाउ दे हैव बीन ऑफिशियली क्लासिफाइड एज एंडेंजर्ड। उनको अब ऑफिशियली क्लासिफाई कर दिया गया है एज एंडेंजर्ड। ठीक है, रीजंस क्या दिए गए हैं इसके लिए? रीजंस दिए गए हैं ऑफ द हैबिटेट लॉस, मेजरली द हैबिटेट लॉस, लॉस फॉर द रीजन ऑफ वाइड स्प्रेड बुश फायर, जंगलों में जो आग लग जाती है, बिकॉज ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज इज वन रीजन, इट कैन बी मैन मेड ऑल्सो। दूसरा ड्रॉट, सूखा जो पड़ रहा है। एंड तीसरा, जो जमीन को क्लियर किया जा रहा है जिसकी वजह से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है इनके जो भी यूकलिप्टस रिच हैबिटेट है। कोआलास आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन यूकलिप्टस, उनकी लीफ को खाते हैं, उन पेड़ों पर रहते हैं, तो ये खत्म हो रहे हैं जिसकी वजह से इनकी जो साइज है, पॉपुलेशन है, वो भी कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से इसको अभी क्लासिफाई किया गया है एंडेंजर्ड। अगर IUCN स्टेटस की बात करें तो वल्नरेबल स्टेटस है इसका। और WWF की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो फॉसिल रिकॉर्ड्स हैं, जो भी फॉसिल रिकॉर्ड्स मिले हैं ऑस्ट्रेलिया से, उसमें ये पता लगता है कि कोआला स्पीशीज लगभग 25 मिलियन ईयर्स से ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा रहे, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं इतने पुराने समय से, 25 मिलियन ईयर्स से ये इस एरिया में है। अगर अभी हम बात करें, एट प्रेजेंट अगर हम बात करें, तो ये अभी वाइल्ड में मिलते हैं इन दी ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये वाला पूरा बेल्ट। तो क्वींसलैंड का जो भी कोस्टल रीजन है, ये वाला जो रीजन है, यहां पर ले लीजिए साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, ठीक है, दिस इज मिसस्पेल हियर, एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया, इन वाले रीजन में अधिकतर ये पाए जाते हैं। दिस इज अबाउट कोआला, ऑस्ट्रेलियन कोआला। नेक्स्ट स्पीशीज दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज गोल्डन लंगूर। तो आज के सेशन में दोस्तों दो ही स्पीशीज करेंगे,
अगली जो वीडियो आएगी उसमें कोशिश करूंगी 3 या 4 स्पीशीज लाना आज, क्योंकि हमने थोड़ा सा ब्रीफ एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी ले लिए। फिर कोशिश की जाएगी 10 से 12 स्पीशीज यहाँ पे कवर करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट वाली, एक्सक्यूज मी। तो गोल्डन लंगूर क्यों चर्चाओं में, इसके बारे में जानने से पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गोल्डन लंगूर जिसको कहा जाता है ट्राकीफाइटिकस जी, ये एक लार्ज ओल्ड वर्ल्ड मंकीज को बिलोंग करता है, ग्रुप है लार्ज ओल्ड वर्ल्ड मंकीज का, जिसको कहा जाता है कॉलोबिन्स, जो कि सब फैमिली है कॉलोबिने की, ठीक है, इसकी सब फैमिली है। पाया कहाँ जाता है, मेजरली ये भूटान और इंडिया के बीच में पाया जाता है। ऑल राइट, वो मैं आपको भी मैप में भी दिखाऊंगी, जहाँ पे बहुत ही डाइवर्स टोपोग्राफी, अलग अलग टोपोग्राफी है, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी अलग हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स भी अलग हैं। दीज आर मेजरली हर्बीवर्स और ये राइपन अनराइप फ्रूट्स इन पे ही सर्वाइव करते हैं। अगर इनके ग्रुप साइज की बात करें तो एवरेज ग्रुप साइज जो होता है इनका 8 इंडिविजुअल्स का होता है, ग्रुप्स में रहते हैं मंकीज जनरली, जिसमें रेशो की अगर मैं बात करूँ तो पर अडल्ट मेल देयर आर सेवरल फीमेल लंगूर्स दैट आर फाउंड। ये विश्व भर के 25 मोस्ट एंडेंजर्ड प्राइमेट्स की कैटेगरी में भी आते हैं। चर्चाओं में क्यों है, अभी हाल ही में असम के बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट में, दिस इज द डिस्ट्रिक्ट यू कैन सी इट हियर, इस डिस्ट्रिक्ट में वेस्टर्न असम के बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट में जो नेबर्स थे, जो विलेजर्स थे, उन्होंने अपोज किया है सरकार के एक मूव का। तो पहले तो हम इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखते हैं, फिर इस न्यूज पे आते हैं। तो आई वाज टेलिंग यू अबाउट भूटान एंड इंडिया, ये वाला पूरा रीजन है जहां पर ही सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, मतलब इनका ही नेचुरल हैबिटेट हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब मुद्दे पर आते हैं, हुआ क्या, असम जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उसने एक इशू किया नोटिफिकेशन, ये कहते हुए कि भाई ये जो ककोई जाना रिजर्व फॉरेस्ट है इसके 19.85 स्क्वायर किलोमीटर की जो पैच है उसको कजोई जाना बामोनी हिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है, करेक्ट। क्या किया जाएगा, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया जाएगा कुछ एरिया को जो रिजर्व फॉरेस्ट है। इसमें ऑपोजिशन क्यों आया, इसमें ऑपोजिशन इसलिए आया क्योंकि जो भी विलेजर्स वहां पर रहते हैं उनका मानना है कि दिस इज अ रिजर्व फॉरेस्ट, कंजर्वेशन रिजर्व में आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है कि जो भी विलेज कम्युनिटीज होती हैं वो प्रोटेक्शन में मदद करती हैं ऑफ द नेचुरल जो भी हमारी वाइल्ड लाइफ है, फ्लोरा फौना है, और दिस पर्टिकुलर बेल्ट, दिस पर्टिकुलर एरिया इज ट्रीटेड एज सेक्रेड फॉरेस्ट, जिसके लिए विलेजेस का मानना है कि आपको अलग से इसको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा देने की जरूरत नहीं है, हम इसके कंजर्वेशन में ऑलरेडी सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा मिलेगा यहाँ पे आवाजाही कम हो जाएगी, यहाँ पे जो ह्यूमन इंटरेक्शन है वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ऑपोजिशन यहाँ पर आया है। और अगर इस रिजर्व फॉरेस्ट की बात करूँ तो ये सबसे ज्यादा जाना माना हैबिटेट है इन गोल्डन लंगूर्स का, अमंग द टू मेजर इंपॉर्टेंट प्लेसेस इंडिया भूटान के एरिया में जहाँ ये पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। वहीं पर अगर इसके कंजर्वेशन स्टेटस की मैं बात करूं तो IUCN रेड लिस्ट की कैटेगरी में एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 के शेड्यूल 1 में आते हैं जहां पे इनको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दिया जाता है। नाउ इन द कमेंट सेक्शन प्लीज मुझे बताइए क्या आप चाहते हैं कि मैं, जैसे IUCN रेड लिस्ट तो मैंने आपको समझा दिया, इफ़ यू वॉन्ट मी टू एक्सप्लेन यू दी साइट्स एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑल्सो, तो वो भी मैं अगले सेशंस की शुरुआत में ये कॉन्सेप्ट्स आपके साथ पिक कर लूंगी। आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट साइट्स विद यू एंड देन इसके भी अपेंडिक्स डिस्कस कर लेंगे, एंड वी कैन डिस्कस अबाउट WPA 1972 आल्सो। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, स्पीशीज एंड न्यूज के साथ वी कैन डिस्कस दीज कॉन्सेप्ट्स आल्सो, ठीक है। सो गाइज, अगर आप अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, पर्सनल कोच मेंटोरशिप मिलती है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होती है, स्टडी प्लानर होता है, ओपन हाउस होता है एजुकेटर्स के साथ। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको प्लेटफॉर्म पे जाना है, अपना सब्सक्रिप्शन चूज करना है और कोड यूज करना है NDLIFE10, जब आपसे रेफरल कोड मांगा जाएगा। जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करते हैं यू विल सी द डिफरेंस इन दी प्राइस, देर बी रिडक्शन इन दी प्राइस। आप ये कोड यूज कर सकते हैं मेरा टू गेट 10% का डिस्काउंट अक्रॉस दी प्लेटफॉर्म। 0% EMI का ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। इस नंबर पर अभी कॉल कीजिए, आपकी जो भी डाउट्स कन्फ्यूजन है वो क्लियर कीजिए।
2 घंटे में अप्रूवल है, मिनिमल पेपर वर्क है, फ्लेक्सिबल टेन्योर्स है। पाथफाइंडर का करंट अफेयर्स मई 2022, प्री टेस्ट सीरीज है यूपीएससी सीएससी के लिए। 25 MCQs होते हैं, आधे घंटे में आपको करने होते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में होते हैं। हर सैटरडे को शाम को 5 बजे आपको ये मिलते हैं। आज शाम 5 बजे आप एनरोल कर सकते हैं। यू कैन विन अमेजिंग प्राइजेस ऑल्सो। डाउट के लिए अन अकेडमी लेकर आया है डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन, जहाँ पे स्पेशलिस्ट टीचर्स आपके डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे। बैचेस हमारे 25 मई से शुरू हो चुके हैं, आप अभी एनरोल कीजिए इन बैचेस में, इससे पहले कि प्राइस बढ़ जाए। 6 टॉप ऑप्शनल सब्जेक्ट को लॉन्च कर रहा है अन अकेडमी 5 जून ऑनवर्ड्स विद द टॉप एजुकेटर्स इन दी कंट्री। अभी अपनी सीट्स को बुक कर लीजिए, प्राइस बहुत जल्दी, आई टोल्ड यू 31 मई तक बढ़ जाएगा, 31 मई के बाद से बढ़ जाएगा प्राइस। अन अकेडमी को क्यों चूज करना है? लर्न फ्रॉम दी बेस्ट एजुकेटर्स। अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज करने की फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है, फ्लेक्सिबल लर्निंग। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आप फ्लेक्सिबिलिटी आपको है पढ़ने की, आप अपने लर्निंग आवर्स डिसाइड कर सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर्स हैं मेजर हब्स में, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस इंट्रोड्यूस कर दिए हैं प्लेटफॉर्म पर, डेली आंसर राइटिंग है, लाइव मेंटोरशिप है, कंप्लीट प्रिपरेशन मिलती है, प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स आपको मिलते हैं, और बेस्ट इन क्लास लर्नर रेटिंग्स भी आपको मिलती है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज, थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीबडी, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल, ऑल्सो हिट दी बेल आइकन अगर आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे चाहिए। PDFs के लिए आप टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। प्लीज़ टेक केयर गाइज, थैंक यू सो मच एंड सी यू सून, थैंक यू।